हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंक्स पैरों में। दोस्तों, आज के लेक्चर में सॉल्व करूंगा हिमाचल प्रदेश का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, जो कि हमीरपुर बोर्ड HPSSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था 21 जुलाई को। इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आप दोस्तों इस लेक्चर के माध्यम से अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये एग्जाम हेल्पफुल रहने वाला है, जो कि अपकमिंग एग्जाम है, स्पेशली अलाइड का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, ए फैट सोल्यूबल विटामिन इज। दोस्तों, विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। बसा में विलयशील विटामिन है। आरबीसी का भंडार करे। दोस्तों, प्लीहा यानी कि स्प्लीन सही आंसर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, ये ब्रेन में पाई जाती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा विषाणु रोग है? दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही होगा, जापानी एंसीफलाइटिस रोग। फिफ्थ क्वेश्चन, पुरुष में लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही होगा, XY। सिक्स्थ क्वेश्चन, उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत क्या होगी? दोस्तों, ये बढ़ेगी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा। वह स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती हैं, वो कहलाती है। दोस्तों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बी ऑप्शन सही होगा। भारत में पूंजी गहन उद्योग का उत्तम उदाहरण है स्टील इंडस्ट्री। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, इस्पात उद्योग। नाइन्थ क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है? दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। टेंथ क्वेश्चन, वह वस्तुएं जिसका लोग कीमतें बढ़ने पर अधिक उपभोग करते हैं कहलाती हैं। दोस्तों, उन्हें गिफिन गुड्स कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रथम आय समिति किस वर्ष गठित की गई? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1949 को प्रथम आय समिति गठित की गई थी। रिमेडी फाइनेंस इज डन बाय। रिमेडी फाइनेंस किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। 14, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के प्रतीक पर है? दोस्तों, भाग। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा विकास व्यय है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इरिगेशन एक्सपेंडिचर या सिंचाई व्यय। भारत में सबसे बड़ा कर प्रदायक क्षेत्र कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे ज्यादा कर औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है। 17 क्वेश्चन, विदेशी देशों में वस्तुओं को उनके घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचने का व्यवहार कहलाता है? दोस्तों, डंपिंग। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी इज लिवाइड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वस्तुओं के विक्रय पर। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था? दोस्तों, तृतीय के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निफ्टी इज एसोसिएटेड विद। NSE के द्वारा संबंध रखता है निफ्टी। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इरडा सेक्टर इज इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा, इरडा के द्वारा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय IMF। सी ऑप्शन सही होगा, IMF के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली। जिस तरह से सेलर का संबंध है कंपास से, तो उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध होगा स्टेथोस्कोप से, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन में से हमें डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज बनी है, DEFGH LMNOP PQRST, लेकिन इसमें कोई भी सीरीज नहीं बन रही है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन। किसी निश्चित कूट भाषा में अगर गिब को BIEG लिखा हो, ओवर को EBRO लिखा हो, तो DISK को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही होगा, SIKD। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, 5, 11, 23, 47, 95, उसके आगे पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही होगा, 191। 5 से आगे 6 जोड़े गए हैं, 11। 11 से आगे 12 जोड़े गए हैं, 23। 12 से 23 से आगे 24 जोड़े गए हैं, यानी कि 47।
47 से आगे 48 जोड़े गए हैं, यानी कि 95, तो 95 में 96 जोड़े जाएंगे तो 191 आंसर आएगा। मिसिंग लेटर इन द लेटर सीरीज निकालना था, ब्लैंक सी बी, ब्लैंक सी ए, ब्लैंक बी ए सी बी, ब्लैंक सी ए, ब्लैंक बी ए सी, ब्लैंक डी, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन करना था। 29 क्वेश्चन, शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के एक माह में यदि प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है तो उस माह में कितने कार्यकारी दिवस होंगे? 23 दिवस होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 × 4 = 15, 7 × 5 = 49, 6 × 5 = 24, तो 8 × 4 पूछा है जो कि 24 आएगा। इसमें जो नेक्स्ट नंबर दिया है 5 × 4 और मल्टीप्लाई की है 3 से, 7 × 8 और मल्टीप्लाई की है 7 × 7 = 49, 6 × 4 = 24, इसी तरह से 8 × 3 = 24 आना था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2019 विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों डी ऑप्शन सही रहेगा, स्टॉप फॉर अस्थमा। अस्थमा डे मनाया जाता है 5 मई को और इसकी थीम थी स्टॉप फॉर अस्थमा। INS रंजीत, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से निवृत्त किया गया, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित था? दोस्तों USSR के द्वारा निर्मित था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गेम चेंजर निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। 2019 G7 सम्मेलन की वर्तमान पीठ कौन सा देश है? फ्रांस। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व नंबर 1 स्थिति हासिल की? दोस्तों अपूर्वी चंदेला। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि से जुड़ा? दक्षिणी अमेरिकी देश बोलिविया, जो कि हाल ही में जुड़ा है। किस भारतीय व्यक्ति को हाल ही में UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी सही आंसर रहेगा। इनको अभी मेडल दिया गया था UAE सरकार के द्वारा। 38 क्वेश्चन, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, डेविड मालपास। 39 क्वेश्चन, किस देश की अंतरिक्ष संस्था ने हाल ही में ज्वालामुख बनाने के लिए क्षुद्र ग्रह रयोग पर सफलतापूर्वक विस्फोट गिराए? दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही होगा, जापान। जापान की एजेंसी है जाक्सा जिसने ये विस्फोट गिरवाए थे। किस भारतीय सशस्त्र सेना ने हाल ही में संयुक्त अनुसंधान के लिए CSIR के साथ गठबंधन किया? भारतीय नौसेना ने। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 41 क्वेश्चन, इजाक हाइक जो कि विश्व के सबसे अधिक उम्र वाले फुटबॉल खिलाड़ी हैं किस देश के हैं? दोस्तों इजराइल के हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। RBI ने हाल ही में तरलता बढ़ाने के लिए LCR मानक संशोधित किए। LCR का तात्पर्य क्या है? LCR से आप क्या समझते हैं? तो इसका फुल फॉर्म है लिक्विडिटी कवरेज रेशो, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में NRI के लिए कागज रहित खाता खोलने की सुविधा शुरू की? दोस्तों IDBI बैंक ने। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 44 क्वेश्चन, 2019 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 140 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 45, अमर पोल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस भाषा के पौराणिक लोक गायक थे? बंगाली भाषा के लोक गायक थे। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हिमाचल प्रदेश के जीके की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? देवदार। 47 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 123। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो एवरी एग्जाम में आया हुआ है, जितने भी अभी मैंने अपने चैनल पर एग्जाम सॉल्व किए हैं सभी मैक्सिमम सभी एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? 123। नलबाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? दोस्तों बिलासपुर में होता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं। हाथीदार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? दोस्तों चंबा में पाई, चंबा में है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चबूतरा हिल्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? हमीरपुर जिले में है चबूतरा हिल्स। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास नदी की सहायक नदी है बाणगंगा। 53,
उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर जिले में स्थित है, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। हालदा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? लोहलैंड स्पीति में। डॉक्टर बाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध हैं रखते हैं सॉरी रखते थे? सिरमौर से। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी बाबा कांचीराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? जयदेव केरन। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जयदेव केरन। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली थी बसोली। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? मंडी सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है और हिमाचल प्रदेश के तीन प्रशासनिक मंडल हैं, शिमला, धर्मशाला और मंडी। मंडी सबसे बड़ा है और धर्मशाला सबसे छोटा है। और नेम ऑफ बैजनाथ बाज, किरग्राम। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन, चंबा शहर की स्थापना। सी ऑप्शन सही होगा, साहिल बर्मन ने की थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 68 है, यानी कि हमारे एमएलए कितने हैं? 68। 62 क्वेश्चन, 1620 में कांगड़ा किले को अपने अधीन करने वाली मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, नवाब अली खान। वैसे ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है क्योंकि 1620 में नहीं किया था, 1620 के आसपास किया गया था। सी ऑप्शन मान के चलते हैं, नवाब अली खान। इन विच सेंचुरी वाज द मंडी स्टेट फाउंडेड, 14वीं शताब्दी में मंडी की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। गांधी जी ने पहली बार शिमला यात्रा कब की थी? 1921 में। ए ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, गांधी जी ने दूसरी बार शिमला की यात्रा कब की थी? कमेंट करके लिखिएगा, गांधी जी ने दूसरी बार शिमला की यात्रा कब की थी? 65 क्वेश्चन, मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया? अजमेर सेन ने प्रारंभ किया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कालका शिमले रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? कालका शिमला रेलवे लाइन। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 96.5 किलोमीटर। सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? सिरमौर में है सुकेती। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये शिमला में है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर में है संजय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जो पुस्तक किसने लिखी? शांता कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन है 71 to 75। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर हैज बीन कंटिन्यूइंग ब्लैंक इंडिपेंडेंस। सी ऑप्शन सही होगा, सिंस इंडिपेंडेंस। 72 क्वेश्चन, द जज रिकमेंडेड ए सिवियर पुनिशमेंट सो डैट ही ब्लैंक फ्रॉम ड्रिंकिंग इन फ्यूचर। ए ऑप्शन इसका सही होगा, डिजिस्टर्ड। 73, इट हैज बीन ऑब्जर्व डैट इनकम ब्लैंक बाइडेंट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। सी ऑप्शन सही होगा, डिस्पैरिटी। क्वाइंस आर मेड इन मिंट। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। शी वॉज स्टैंडिंग लाफिंग ब्लैंक अ करोड ऑफ जर्नलिस्ट। शी वॉज स्टैंडिंग लाफिंग अमंग अ करोड ऑफ जर्नलिस्ट। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 76 to 80 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन, टू रेस्ट ऑन बंस लोरियल। बी ऑप्शन इसका सही होगा, टू बी अ पैरासाइट, टू मीट बंस हाफ वे। बी ऑप्शन सही होगा, टू कम टू ए कंप्रोमाइज विद बन। 78 क्वेश्चन, टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, इसका डी ऑप्शन सही होगा, ए पर्सन विद टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। निग्गर इन द बुड पाइल, डी ऑप्शन इसका सही होगा, समथिंग डैट स्पॉइल्स अ गुड थिंग। टू हैव अ जॉन्डिस आई, टू बी प्रेजुडाइज्ड। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 81st क्वेश्चन, 81 से लेके 85 तक हमें अपोजिट मीनिंग बताने थे। फीवल का अपोजिट होगा रोबस्ट, घास्टली का अपोजिट होगा प्लीजेंट, करब का होगा इनकाइट,
अ वर्ड का होगा सीक्रेट, डेविएट से होगा कन्फर्म। हिंदी के क्वेश्चन है, सही संधि विच्छेद चुनिए। प्रारंभ का संधि विच्छेद ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्र प्लस आरंभ। 87 नयून का नी प्लस उन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अजंत का संधि विच्छेद डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अच प्लस अंत। शुद्ध शब्द चुनिए, बी ऑप्शन दैहिक का सही होगा। रणभूमि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रणभूमि का। टिप्पणी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विशिष्ट का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 93 क्वेश्चन, पंच पात्र में कौन सा समास है? पंच पात्र में समास तत्पुरुष होगा, क्योंकि पंच पात्र जो है ऐसे द्विगु समास है, लेकिन तत्पुरुष के दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। 94 क्वेश्चन, अनिष्ट का समास कौन सा होगा? तत्पुरुष। 95 क्वेश्चन, गजानन में समास बहुव्रीहि। 96 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था? पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों लोथल इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन भी मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है, जो पिछले 6 मंथ में एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है। 97 क्वेश्चन, नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी? पशुपालन की, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। पशुपालन यानी कि उस समय गाय को अधिक भूमिका दी जाती थी, कोई भी लेन देन करना होता था तो भी गाय को ही महत्व दिया जाता था, यानी कुछ खरीदना होता था उसके बदले में गाय दी जाती थी। 99, निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था? कुरु में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रज यान बहु शाखा में बुद्ध की पत्नी कहलाती थी तारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस समुदाय से जैन धर्म ने उनके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए हैं? ए ऑप्शन से व्यापारी समुदाय से। अशोक के महारानी राजाज्ञा ये भी कहलाते थे। दोस्तों डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, ये थोड़ा डाउटफुल है, डी मान के चलिए। मेजर बिलर अडिक्स पाइव। 103, भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर मार्ग किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था? मिस्र साम्राज्य द्वारा ये खोला गया था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे? कुमारा मात्य, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति प्रदान की थी? राष्ट्रकूट इसका सही आंसर हो सकता है, डी ऑप्शन। सम्राट बनने से पहले बलबन किसके अधीनस्थ थे? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नसीरुद्दीन मोहम्मद। किसने दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया था? उनकी सैन्य शक्ति ने, वो अपनी विस्तार करना चाहते थे, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, और उनकी सैन्य शक्ति ने उसके लिए प्रेरित किया था। चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम नाम से जानी जाती थी किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई? जहांगीर के शासनकाल में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 110 क्वेश्चन, रैतबाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1820 में। सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया? सुधार, धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार दोनों पर जोर दिया गया था, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, ए एंड बी दोनों। ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? 1856 में किया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसका वर्चस्व था? नरमपंथियों का, ए ऑप्शन सही होगा, मॉडरेटर्स का। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक से प्रारंभ की थी? दोस्तों उन्होंने ये यात्रा की थी 12 मार्च 1930 तक, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, इसके सभी को क्रेडिट मिल जाएगा। बैबल योजना किस वर्ष दी गई थी? 1945 को। मोरेन और टिल उदाहरण है, मोरेन्स एंड टिल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स, हिमानी अपसादी चट्टानों के। भूकंप प्राय नहीं आते हैं ब्राजील में, बी ऑप्शन सही होगा, ब्राजील। 118,
जेट वायुयानों के चालक प्राय क्षोभमंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण है उभरे हवाई गर्द, बम्पटी एयर पोकर्स। विषुव प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है? डोल्ड्रम्स इस जोन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ए ऑप्शन सही होगा। डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है? बी ऑप्शन सही होगा, अटलांटिक महासागर में। 121 फॉकलैंड महासागरीय धारा किस दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है? साउथ अमेरिका के साथ। डी ऑप्शन सही होगा। कौन सी मृदा लंबी घास के लिए प्रसिद्ध है? प्रेरी मृदा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रेरी मृदा। बिहार से पंजाब में लोगों का प्रव्रजन परिणाम है। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार टू पंजाब इज अ रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये तीनों ही कारण हैं, गरीबी, अति जनसंख्या और राजनैतिक अस्थिरता। इन सभी को माना जा सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मसाई मेली रियर, मसाई मुख्यतः पालते हैं मवेशी, कैटल्स पालते थे। ए ऑप्शन सही होगा। 125 क्वेश्चन, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? वाटर, जल प्रदूषित नहीं करता है। केप रूट पश्चिमी यूरोप और ब्लैंक के बीच लिंक प्रदान करता है, फार ईस्ट के साथ सुदूर पूर्व। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है? मानसून प्रकार में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मानसून प्रकार में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनवेरा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है? गंगा, यमुना, गंडक और गोदावरी। दोस्तों गंगा, यमुना, गंडक ये सभी हिमालय से निकलती हैं, लेकिन गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी कि दक्षिण भारत की नदी है। ये करेक्ट आंसर होगा डी, गोदावरी। कौन सा क्षेत्र भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है? कोरोमंडल जोन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपलाबी वन पाए जाते हैं। इन इंडिया डेलुवियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडेमान में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अंडेमान। 132 कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली है? अरावली रेंज। ये ऑप्शन सही होगा, अरावली। खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है? रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यमुना नदी से। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? जौ खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। द्वि सदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ए ऑप्शन सही होगा, संसदीय व्यवस्था का। उद्देश्य प्रस्ताव संवैधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? इंग्लिश भाषा उल्लेखित नहीं है, अंग्रेजी। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में विषय हैं 97। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सूचियां 3 प्रकार की हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 140 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? आर्मी राज्य का तत्व नहीं है। भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा ब्लैंक के स्थान पर किया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 142 निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 21। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 21 अनुच्छेद। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? दोस्तों संसद। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, संसद रोक लगा सकती है। संपत्ति का अधिकार है, ये एक लीगल राइट है, यानी कि विधिक अधिकार है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 145 भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन दो बार रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू ऑडियंस इन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के क्षेत्रांतर्गत किसी भी विधिक न्यायालय में, एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है? राष्ट्रपति, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। 148, राज्यसभा विघटित करने में कौन सक्षम है? इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? मीरा कुमार, ए ऑप्शन सही होगा, मीरा कुमार। भारतीय संसद में वित्त बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है? दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। गोवा में लोकसभा सीटें कितनी हैं, या लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2, बी ऑप्शन सही होगा। 152, किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन सही होगा। तमिलनाडु में महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? संविधान के द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के द्वारा स्थापित किया गया। भारत में त्रिमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया किसके द्वारा इंश्योर की जाती है? पंचायती राज के द्वारा इंश्योर की जाती है, ए ऑप्शन सही होगा। सॉरी। 155, कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? दोस्तों 3 बार घोषित किया है, आर्टिकल 352 के तहत, और 360 कभी भी नहीं लगा है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट ऑफ हीट जूल, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, एक स्ट्रिंग के कंपन होते हैं अनुप्रस्थ। टेलीफोन के डायफ्राम बने होते हैं किसी भी धातु की पतली शीट से, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का प्रकार है, अल्फा बीटा गामा, ये सभी होते हैं ऑल ऑफ दीज। अंतारकीय पदार्थ प्रमुखतः निम्न में से किसका बना होता है? द इंटरस्टीलर मैटर इज मेनली कंपोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन का। भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल श्री हरिकोटा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखाई देती है, जिसका कारण है इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए द्वितीय प्रकाश, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश या बैंगनी प्रकाश? पीला प्रकाश यूज करना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्साइड और, बॉक्साइड, ए ऑप्शन सही होगा, बॉक्साइड। हाइड्रोजन बर्न्स विद, जब हाइड्रोजन जलती है तो डैश के साथ यानी कि कौन सी लाइट आती है? ब्लू फ्लेम, नीली ज्वाला। कार्बनिक यौगिकों में हमेशा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन कार्बन, ए ऑप्शन सही होगा, कार्बन। 168, विच ग्लासेस यूज्ड फॉर मेकिंग लेंसेज ऑफ प्रिज्म फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रिज्म बनाने के लिए किस ग्लास का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट ग्लास का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा, चकमक कांच। डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, श्वसन का दोहरा प्रकार इसमें पाया जाता है, बिच्छू में, स्कॉर्पियन में पाया जाता है। 170 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कंगारू अधिकांशतः पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में, ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको मेरी वेबसाइट www.pongspero.com पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या आप गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो कैंडिडेट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये लेक्चर पहुंच जाए और उनको भी हेल्प हो जाए आगे आने वाले एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।